नमस्कार दोस्तों, राणा प्रोडक्शन में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि कई दिनों से मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था दूसरा वीडियो बनाने के अंदर, तो आज मेरे को थोड़ी फुर्सत मिली है, उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ आज आपके लिए। और बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आए हैं आपके लिए। जैसे बताया था कि आपको कि आप छोटा सा बिजनेस कैसे 500 रुपये से 1000 रुपये से 1500 धीरे धीरे करते करते आप अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। मुझे याद है आज से 6-7 साल पहले दुकान बहुत छोटी हुआ करती थी, और आज देखते देखते इन्होंने प्रॉफिट कर करके आज इतनी बड़ी एक शॉप डाल ली है। तो ये विक्रांत जी हैं जो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप बिजनेस करें और आपका अच्छा प्रॉफिट होने लगे तो आपकी ये जो ये मशीन है, इस मशीन को क्या कहते हैं विक्रांत जी? सर, ये वेटिंग मशीन कहते हैं, वेटिंग स्केल। वेटिंग स्केल, वेटिंग स्केल। तो इसके क्या क्या बेनिफिट है बताएंगे थोड़ा ऐसे वर्बली? बेनिफिट इसमें बहुत है, जैसे आप नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, अच्छा बिजनेस चल रहा है आपका, और ज्यादा क्या और ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है, तो आप इस मशीन को लगा सकते हैं, जिससे कि आप सब्जी लेके आए उसको कम रेट में दे सकते हो, ठीक है, और इसमें आप जितना तोलोगे उतना ही इसमें पैसा निकलेगा, ठीक है। अच्छा। ग्राहक ऐसा नहीं है कि ग्राहक अगर 2 किलो मांग रहा है तो आप अगर 2 किलो 100 ग्राम दे दिए तो ग्राहक ले जाएगा। तो आपने ये मशीन क्यों खरीदी, आप बता सकते हैं कि किस हिसाब से खरीदी इसको? इसको इसलिए खरीदा गया है कि ज्यादा प्रॉफिट आना है। क्लियर करेंगे थोड़ा, मतलब बारीकी से क्लियर, क्योंकि हमारे जो कस्टमर है वो भी इस समय देख रहे हैं, मतलब जो हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर है, इस समय देख रहे हैं। बारीकी से एक चीज समझाएं कि ये फिर हम इसको मैनुअली समझेंगे, तो अभी थोड़ा सा बताएंगे कि किस हिसाब से इसका प्रॉफिट था, जिस हिसाब से आपको ये लेने मतलब खरीदना पड़ा इसको। देखो सर, पहली बात ये है कि अभी जो जमाना है तो टेक्नोलॉजी जमाना है, ठीक है, आप अगर मतलब धैर्य से चलोगे तो वैसा बिजनेस नहीं होना। हाँ, देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, धैर्य के साथ चलोगे तो ऐसे बिजनेस नहीं होगा। अगर आप उसमें तो नई तकनीक जोड़ दोगे तो ग्राहक भी अट्रैक्शन बढ़ता है कि यार वहाँ पे जाओ, आप उस दुकान पे बिल के साथ में आपको सामान देगा। अच्छा, है ना, मतलब इसमें कहना मतलब हेरा फेरी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकता, कोई चीटिंग नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसलिए इस मशीन को हमने लगाया। तो ये बता सकते हैं कितने की परचेज हुई अपनी मशीन? ये सर, ये मशीन हमारे को 22 से 23 हजार रुपए में मिला है। जोधपुर से खरीदा है? हाँ सर, जोधपुर से खरीदा है। अच्छा, अगर मान लो दूसरे स्टेट में खरीदना चाहे तो मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है। तो अभी आप कुछ बताएंगे इसके मैनुअल क्या है, कैसे क्या ऑपरेट करते हैं? कि आप सामान इसके अंदर रखो, ठीक है, मतलब जैसे मान लो खीरे हो गए, हाँ, या कुछ भी हो गए, क्या मतलब इसके कोडिंग क्या रहती है, कैसे? सर, इसके नंबर सिस्टम है, ठीक है, नंबर सिस्टम है, जैसे कि अभी मैं डालता हूँ, जैसे मिर्ची है, ठीक है, इसका नंबर है, मैंने इसका नंबर फिट कर रखा है यहाँ पे, ये नंबर है इसका, ये नंबर है इसका, ठीक है सर, अच्छा, 26 ये नंबर है 26, और ये इसका रेट है। तो आप यहाँ पे अभी टाइप करोगे, ये 26 यहाँ पे एंटर किया, ये जितना वेट है ना, उतना यहाँ रेट निकल रखा है, कितने रुपए का हुआ ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। देखिए ये दे, लेकिन भिंडी दिखा रहा है इधर तो आप? हाँ, तो सर ये भिंडी दिखा रहा है क्या? एक सर, ये मिर्च थोड़ा दोस्तों घोट थोड़ा गलत लग गया था, इसके कारण दिखा रहे हैं आपको। अब देखिए हरी मिर्च लिखा आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, हरी मिर्च लिखा हुआ। ये हमारे कस्टमर हैं और ये भी कुछ लेना चाहते हैं, आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट है, थोड़ा लेके इसमें डालिए ताकि उस हिसाब से। अभी ये टमाटर हैं, जैसे अभी कितने के होंगे? 2 किलो। अब देखिए जैसे 2 किलो 130 ग्राम हो रहे, 125 ग्राम, तो इन्होंने कहा 2 किलो करने के लिए। अब जैसे 40 ग्राम भी तोल देगा इसके साथ ही। अब इसका नंबर, इसमें नंबर इसका टाइप क्या है, ये सामने जो नंबर लिखा आ रहा है, ठीक है, 64 नंबर, ये टमाटर लिखा गया। उसके बाद में इसको आप जैसे और सामान लेगा, अगला और सामान लेगा तो 81 रुपए हो गए दोस्तों इसके लिए। और सामान अगर लेगा, अच्छा, आप बिल भी लेंगे इसके? हाँ, बिल लेंगे तो और भी क्या चाहिए, कुछ चाहिए आपको? वो डाल रहे हैं मिर्ची, मिर्ची, हाँ मिर्ची ले लीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों। अब देखिए इसमें 10 किलो मिर्ची तुलेगी, तो अब ये दिखाना चाहूंगा आपको। हाँ, कोडिंग क्या मिर्ची का क्या बताया था आपने? 26 26। हाँ, अभी देखिए इसमें ये 5 केजी वेट हुआ, ये 5 केजी वेट दिखा रहा है इसके अंदर, इधर से वेट दिखेगा आपको, ये इसकी वेट है 5 केजी कुछ लमसिंग आता रहेगा, ये 5 जो भी रेट होगा ये 70 ग्राम को भी साथ में तोल देगा, इसमें रेट भी आएगा। देखिए अमाउंट आ गया इसमें 52 रुपए, ठीक है सर। एक मिनट यहाँ से दिखाना चाहूंगा आपको, आप देख सकते हैं यहाँ से 52 रुपए केजी है, 52 रुपए केजी दिखा रहा है। अच्छा, काफी बड़ा है इसलिए इसमें हम जैसे मान लो कोई नई सब्जी आती है तो वो कोड डालेंगे इसमें? हाँ सर, जैसे कि नई सब्जी आई है आपके मार्केट से, आज उसका रेट बढ़ गया है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि ये नींबू है, ठीक है, ये नींबू का रेट आज था 30 रुपए किलो, कल अगर हो गया 32 रुपए किलो, है ना, तो 32 रुपए किलो हो गया, उसको आप आटे के साथ उसमें पहले ऐड करो कि भैया रेट बढ़ गया है, कैसे ऐड करेंगे बता सकते हैं? जैसे कि ये नींबू है, ठीक है, नींबू का नंबर है 47,
दादी दबा दिया आपने? हाँ, देखो 47 यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। एंटर करने के बाद में ये नींबू का ये रेट आया। अच्छा, ठीक है, एक मिनट रुकिए। नींबू है 112 रुपए किलो, 112 रुपए किलो। हाँ, इसका जो वेट है 125 ग्राम, इसका 14 रुपए बन गया। तो नहीं, अभी जैसे मान लो रेट चेंज करना चाहते हैं, रेट चेंज करना चाहते हैं सर, फिर उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? जैसे मान लो एक प्रॉब्लम बता दी, चेंज मत करिए, लेकिन क्या करेंगे उसके अंदर? इसके अंदर सिस्टम क्या हुआ सर, कि अंदर में डाला पासवर्ड इसका, सिस्टम में गया, इसका नंबर डाला 47। अभी नींबू हो गया, नींबू नीचे जो ये रेट है, ठीक है, ये रेट है। अब रेट को हटा दिया, जैसे रेट है आज 140 रुपये किलो, 140 यहाँ पे टाइप करके एंटर कर दिया, अब ये रेट हो गया। अच्छा, तो ये मतलब अपने हिसाब से जो प्रॉफिट है उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो आप इनके खुश हैं इनसे, ये जो अभी ग्राहकी कर रहे, मतलब ये कस्टमर है आपके दुकानदार, इनसे खुश हैं आप इस मशीन से लगवा के? ठीक है सर। इस समय मतलब आपके मतलब पूरा बिल सारा बिल्कुल बराबर बन रहा है, आपको भी बहुत बढ़िया, मशीन अच्छी, सिस्टम है। तो दोस्तों, ये विक्रांत जी है, इन्होंने ये मशीन ली है और ये बहुत ही अच्छा, मतलब आपको जैसे कभी कभी हमको लॉस होता है, कैसे जैसे 2 किलो 75 ग्राम लेते हैं तो 75 ग्राम का हमको लॉस हो जाता है, लेकिन ये मशीन क्या करती है, उसको भी प्लस करके आपके आपको प्रॉफिट देती है। तो दोस्तों, ये आपके बहुत अच्छी चीज है, आपके हमें हमेशा क्या है कि 700-200 मतलब आपको जैसे 70 ग्राम, 40 ग्राम, 20 ग्राम, इसका हम अगर टोटल करें, इसका अगर टोटल करें तो कम से कम 2-3 किलो आपको नुकसान हो जाता है दिन का। तो इस मशीन से ये फायदा है कि आपको इस चीज का नुकसान नहीं होगा और प्लस प्रॉफिट ही होगा। इतनी सब्जियां आप देख सकते हैं, फल फ्रूट वगैरह, आप जो भी चीज में अमेंड कराना चाहते हैं वो सब अमेंड हो जाएगी, जो भी खीरा, मिर्ची, टमाटर, पुदीना और ये चंदलाई जिसको कहते हैं, भिंडी, आम, जो भी है, आप इसके अंदर मशीन के अंदर सारा कुछ ऐड करके और अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों, ये मशीन थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, लेकिन आने वाले टाइम में आप जब आपका बिजनेस फैल जाएगा, जो आपको ये देख रहे हैं कि 2-3 ग्राम का जो लॉस होता था, अब इसमें प्रॉफिट में बदल चुका है। तो अभी दोस्तों, अभी अब इसका इनका टोटल हुआ था, जैसे मिर्ची हो गई, मिर्ची 2 बार तुली इसमें 5-5 किलो, और टमाटर कितना था? 2 किलो टमाटर था। तो अभी ये बिल कैसे निकालते हैं अभी बताएंगे, देखिए। तो दोस्तों, अभी ये सामान तुल चुका है सारा, अभी इसकी हम टोटलिंग पर्ची निकालेंगे, मतलब इसमें कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। अब ये टोटल कर देगा, मिर्ची दो, मतलब मिर्ची 10 किलो है, 5-5 किलो अलग तुली थी, टमाटर अलग तोले थे, तो अभी ये टोटल की प्रिंटिंग दे रहा है, देखिए ये यहाँ पर प्रिंटिंग निकल चुकी है। हम दिखाना चाहेंगे थोड़ा फिर से कैमरे में, एक बार देखिए, देखिए दोबारा देख लेते हैं इसकी प्रिंटिंग कैसे निकलती है। वापस आप चाहें तो इसका ये देखिए दोस्तों, ये प्रिंट निकल गई। और एक चीज और, मान लो हम ये क्लोज करते हैं तो लास्ट में डाटा दे देगा कि कितनी कमाई हुई, दिन में अभी कितनी सेलिंग हुई है, ये आपको पूरा बता देगा पूरे रात को कि भाई कितना आपने सेलिंग किया एक दिन में। अच्छा, और क्या क्या माल कितना कितना बिका ये भी आपको बता देगा। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब इसमें कोई गड़बड़ झोला नहीं है? कोई गड़बड़ झोला नहीं हो सकता सर, आप चाहे दुकान में बैठे हैं चाहे नहीं बैठे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, लड़के दुकान में काम करेंगे। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर काफी कस्टमर आते हैं शाम के, अभी तो सुबह सुबह का वक्त है, इन्होंने दुकान भी लगाई थी। तो दोस्तों, अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो पक्का सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भविष्य में कोई भी चीज आपको क्यूरी हो, ये ऑनलाइन परचेज होती है? ऑनलाइन परचेज होती है सर, ऑफलाइन भी होती है। तो ऑनलाइन का नाम क्या है इस मशीन का? इस मशीन का नाम सही है राजू, इसका नाम है प्राइम। नहीं, प्राइम तो है, लेकिन क्या कहते हैं इस मशीन को? वेटिंग मशीन, स्केल मशीन, स्केल प्रिंटिंग मशीन, स्केल प्रिंटिंग मशीन। तो दोस्तों, इस तरह की चीज आप लेकर अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, और राणा प्रोडक्शन जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और भविष्य में किसी प्रकार की आपको क्यूरी हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।